गाइस, दिस इज कुशांग। वेलकम टू कुशांग सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस क्लास नाइन्थ साइंस का, गाइस साइंस एनसीईआरटी का। गाइस चैप्टर फर्स्ट में हम करने वाले हैं आज गाइस क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट में हम पार्ट वन है ये गाइस पार्ट वन करने वाले हैं गाइस। वो चैप्टर है क्या गाइस? मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। गाइस ये है फर्स्ट पार्ट, चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, अब देखिए जब ये चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो हमें मैटर समझना जरूरी है। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, टेबल चेयर या ये है मार्कर है बोर्ड है, ये सब चीजें क्या है? मैटर है। अब गाइस देखिए, मैटर पढ़ना है तो गाइस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग। गाइस हमारे सराउंडिंग जितनी भी हैं वो गाइस ये सब लार्ज वैरायटी गाइस थिंग की, विद शेप साइज एंड टेक्सचर्स। गाइस विद किसके साथ है गाइस? अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग टेक्सचर्स की होती है गाइस। तो गाइस ये क्या होता है? मैटर्स जितनी भी हमारी अवर सराउंडिंग, जितनी भी हमारी आसपास की जो हमारे चारों तरफ की जो जितनी भी थिंग्स हैं वो क्या है गाइस? मैटर है, जैसे मैंने आपको अभी बताई दिया है। सो गाइस फिर देखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट नेम्ड मैटर। अभी जो गाइस ये है गाइस देखिए, पूरे हमारे यूनिवर्स में जो है गाइस, यहाँ पर जो भी चीज मटेरियल की बनी हुई है उस साइंटिस्ट ने उसे क्या नेम दिया है? मैटर। क्या नेम दिया उसे? मैटर। गाइस फिर देखिए, अब ये जो गाइस हमारा मैटर जो है, इसके फाइव बेसिक एलिमेंट है। फाइव बेसिक एलिमेंट किस चीज के हैं गाइस? पंच तत्व। किसके? पंच तत्व। गाइस ये फाइव बेसिक एलिमेंट है कौन कौन से? देखिए गाइस, एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड फायर। गाइस ये है एयर है, हवा है, वाटर है यानी कि पानी है, अर्थ है धरती है, फिर गाइस देखिए स्काई है और फायर है आग है। ये सब जितनी भी चीजें हैं गाइस, ये फाइव बेसिक एलिमेंट है गाइस। किसके? गाइस पंच तत्व में गाइस किसके? मैटर के। सो गाइस फिर देखिए कि आज की इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं गाइस, फर्स्ट टॉपिक क्या है वो गाइस देखिए, फर्स्ट टॉपिक है आज का मेरा वो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ये जो फिजिकल नेचर क्या है गाइस मैटर का, देखिए गाइस फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में वो फर्स्ट क्या है? देखिए मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये मैटर जो है गाइस, ये किससे बना हुआ है गाइस? पार्टिकल्स से बना हुआ है गाइस। जैसे एक लाइक द ब्लॉक ऑफ वुड, एक वुड की ब्लॉक गाइस। फिर देखिए रेत देखते हैं आप, कहीं पर रेत देखते हैं तो आपको बिल्कुल प्लेन दिखता है, पर वो क्या है? जब आप पास जाके देखेंगे और अपने हाथ में लेंगे उसे, तो वो किससे? पार्टिकल्स से। आप देखेंगे कि इसमें तो पार्टिकल्स हैं गाइस। ऐसे सैंड के साथ होता है, सैंड को आप जब दूर से देखते हैं तो वो भी ऐसी ही दिखती है, पर आप हाथ में जाके लेंगे, पास से आके हाथ में लिया आपने, तो कैसी दिखने लगेगी? आपको दिखेगा उसमें कि इसमें पार्टिकल्स हैं, इसमें पार्टिकल्स होते हैं। तो गाइस ये भी क्या है? हमारी मैटर ही तो है ये सब। गाइस ये मैटर किससे बना के मिलता, किससे मिलके बनता है गाइस? गाइस देखिए पार्टिकल्स से। फिर गाइस देखिए, अब देखिए सेकंड है, हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। गाइस ये जो पार्टिकल्स है गाइस मैटर के, स्मॉल है कि नहीं, चलिए तो एक एक्टिविटी के साथ समझते हैं। गाइस देखिए एक एक्टिविटी क्या है वो, आप यहाँ एक बेकर लीजिए, एक बेकर हमने यहाँ लिया। गाइस यहाँ पर हमने एक बेकर ले लिया और बेकर में हम क्या करेंगे, 10 ml यहाँ पे हमने वाटर ले लिया। गाइस ये 10 ml गाइस 10 ml वाटर हो गया, 10 ml वाटर हो गया। इसमें हमने क्या किया, एक क्रिस्टल डाल दी। किसकी गाइस? पोटेशियम परमैंगनेट की एक क्रिस्टल डाल दी इसमें हमने। देखिए मान लीजिए कि डाल दी हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की एक क्रिस्टल डाल दी।
गाइस ये वाटर था, हमने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट की एक क्रिस्टल डाल दी वाटर में गाइस। सो गाइस पर देखिए, फिर आप देखेंगे कि इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक्स वायलेट हो जाए, पिंक्स वायलेट हो जाएगा इसका कलर। इसका जब हम एक क्रिस्टल डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा वाटर का, पिंक्स वायलेट। फिर इसमें से जो हमने पोटेशियम की गाइस पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्रिस्टल डाली थी और ये वाटर जब वायलेट हुआ था गाइस, इसमें से हम क्या करेंगे गाइस, 1 ml क्या करेंगे वाटर निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना डाला था, 10 ml। फिर हमने जब यहाँ से 1 ml निकाल लिया है गाइस, तो यहाँ पे दूसरा बेकर है गाइस, ये दूसरे बेकर में क्या करेंगे हम गाइस, देखिए दूसरे बेकर में हम वाटर लेंगे, कितना वाटर लेंगे गाइस, 9 ml। कितना लेंगे गाइस वाटर, 9 ml। गाइस देखिए हमने यहाँ 9 ml वाटर ले लिया, तो 9 ml वाटर में हम देखिए 1 ml जो 9 ml वाटर था, ये इसमें 1 ml जो हमने यहाँ से जो वन एम एल जो वाटर लिया था इसमें डाल दिया, तो इसका कलर भी कैसा हो गया, पिंकी वायलेट हो गया। पर लेकिन क्या हुआ, इसके कलर से थोड़ा इसका कलर लाइट हो गया, इस बेकर के कलर से इसका कलर लाइट हो गया। फिर हमने ऐसे ही थर्ड बेकर के साथ करा, बिल्कुल सेम थर्ड बेकर के साथ करेंगे गाइस हम। थर्ड बेकर है गाइस, देखिए थर्ड बेकर है, इसमें हमने फिर से 9 ml वाटर लेना है, 9 ml वाटर गाइस। यहाँ पे ये आ गया 9 ml वाटर आ गया, 9 ml वाटर जब आ गया यहाँ पे गाइस, तो यहाँ से हमने फिर से 1 ml फिर से वाटर ले लेना है, 1 ml फिर से हमने वाटर लिया, चलिए ले लिया। फिर ये जो 9 ml जो वाटर था इसमें फिर 1 ml वाटर डाल दिया, तो गाइस इसके साथ क्या हुआ, और कलर पिंक सी वायलेट तो आया, पर कैसा आया, लाइट आया गाइस। ये कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स जो है वो क्या है, स्मॉल, हमारा टॉपिक था ये स्मॉल, स्मॉल थे, बहुत ही स्मॉल होते हैं। एक क्रिस्टल जो हमने पोटेशियम पर मैग्नेट की डाली थी उसमें कितने थे, कितने पार्टिकल्स गाइस, 10^21। 10^21 मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि ये 10 के आगे 21 जीरो ऐसे लगते जाएंगे गाइस, ऐसे 10 के आगे 21 जीरो लग जाएंगे, तो इतने पार्टिकल्स होते हैं एक ही क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट की। सोचिए जब ही तो ये कलर आया है इतने पार्टिकल्स से, तो गाइस वो सोचिए कितने कितने स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखेंगे, एक डिवाइस होता है उससे देखते हैं ये, और किसी को देखना है वो डिवाइस लाइए। सो गाइस फिर देखिए हम, फिर देखिए गाइस क्या करते हैं हम, कि देखिए गाइस सेकंड टॉपिक आता है हमारा, सेकंड टॉपिक क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, मैटर की गाइस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सी है गाइस वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल थे इस मैटर के, उसकी बीच में क्या है, स्पेस है, वो कैसे है गाइस चलिए देखते हैं। फिर से अब एक एक्टिविटी के साथ समझते हैं गाइस इसे। गाइस एक्टिविटी के साथ कैसे समझेंगे हम, देखिए गाइस हमने क्या लेना है गाइस, फर्स्ट तो हमने क्या लिया, एक ग्लास लिया गाइस, हमने एक ग्लास ले लिया, देखिए हमने यहाँ एक ग्लास लिया, यहाँ देखिए गिलास जो हमारा, देखिए गिलास बन गया है, गिलास बन गया। तो यहाँ पे हमने गिलास में क्या करना है कि ये वाटर डाल दिया हमने, इतना ये वाटर डाल दिया गाइस, यहाँ पे वाटर डाला हमने। जब यहाँ पे वाटर डालेंगे तो ये जो लेवल जो है गाइस इसका, वाइस वाटर का, यहाँ एक मार्क लगा दिया, मार्क लगा देंगे जैसे मैंने लगा दिया गाइस, यहाँ लगा दिया मार्क। फिर यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम ड्रॉप्स डालेंगे गाइस, थोड़ा सा शुगर या साल्ट हम डाल सकते हैं इसमें, शुगर साल्ट बन जाए, यहाँ आ गई। फिर ये जो हमने मार्क लगाया था शुगर साल्ट, क्यों, पानी तो ऊपर होना चाहिए पर हमने शुगर मिलाई है इसमें, पर क्यों पानी ऊपर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो इसमें स्पेस जो था यहाँ पर,
इनका स्पेस जो होता है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के, वहां पर क्या हो गया, क्या हो गया गाइस, शुगर भर गई। हाँ शुगर भर गई, यहाँ है गाइस, ऐसे शुगर भर गई, इसलिए क्या हुआ, वाटर का लेवल बड़ा चेंज नहीं हुआ। सो गाइस फिर देखिए सेकंड क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मूविंग ये पार्टिकल जो है मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूविंग यानी कि हिलते रहते हैं। वो कैसे हिलते हैं गाइस फिर देखते हैं, हम एक्टिविटी के साथ ही समझते हैं। फिर गाइस देखिए एक गिलास पर चलेंगे हम। गाइस देखिए एक गिलास ले लिया हमने, गाइस एक गिलास लिया हमने, यहाँ पे क्या करा, इस गिलास में हमने क्या लिया, वाटर ले लिया। यहाँ पे वाटर गाइस हमने यहाँ वाटर डाल दिया, देखिए गाइस यही वाटर डल गया, गाइस ये वाटर डल गया। तो इसमें वाटर जब डला है इसमें, सो गाइस फिर क्या करना है हमें, इसमें इंक डालनी है, मतलब रेड या ब्लू कोई सी भी डाल सकते हैं आप। हमने यहाँ देखिए रेड इंक डाल दी इस वाटर में, जब रेड इंक आई फिर हमने 2 या 3 मिनट तक इसे ऐसे रहने दिया, चलिए ऐसे रहने दिया। फिर क्या करा हमने, फिर हमने फिर जाके देखा तो क्या हुआ गाइस, इंक ऐसे मिल गई इसमें, पूरे वाटर में जो इंक थी मिल गई, हमने इसे मिक्स भी नहीं करा, कैसे मिल गई। जो गाइस ये जो होती है गाइस, जब हमने वाटर में इंक डाली तो क्या हुआ, वो जो पार्टिकल्स थे खुद ही मूविंग करने लगे। इसलिए क्या हुआ, ये जो थी गाइस हमारी, ये जो हमारी इंक थी वो अपने आप ही मिक्स हो गई। सो गाइस तो देखिए थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या है गाइस, थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है गाइस इसकी, देखिए द पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल जो है ये मैटर के, आप ये अट्रैक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे को गाइस, देखिए यहाँ देखिए, गाइस यहाँ देखिए पार्टिकल्स है मैटर के गाइस, यहाँ हमने एक टैंकी गाइस कुछ इस तरीके की होती है, जो आपकी टैप जो होती है ऐसी, यहाँ से जो पानी निकलता है गाइस, वाटर जो निकलता है यहाँ से आया, यहाँ से एक वाटर आ रहा है गाइस, यहाँ देखिए। फिर जब ये वाटर आ रहा है तो आपने यहाँ अपनी फिंगर लगा दी तो वाटर कैसा हुआ, यहाँ साइड में आने लगा। साइड में क्यों आने लगा, जब हमने यहाँ फिंगर लगाई तो साइड हट गया पानी, पहले अट्रैक्ट हो रहा था अब हट गया। फिर जब हमने फिंगर हटाई थी फिर वाटर क्या हो गया, अपने आप से मिल गया, ये हमारी फिंगर है, हमने फिंगर नहीं हटाई पर वाटर क्या नीचे आके फिर अट्रैक्ट कर लिया। क्यों, कैसे अट्रैक्ट हुआ, इसके अंदर के जो तो पार्टिकल्स जो है इस वाटर के अंदर के, वो इसे अट्रैक्ट यानी एक दूसरे की ओर अपनी ओर खींच रहे हैं। सो गाइज ये था गाइज थर्ड करेक्टरिस्टिक्स। तो गाइज आज का हमारा पार्ट भी यहीं खत्म होता है गाइज, ये था पार्ट फर्स्ट। तो गाइज मिलते हैं पार्ट 2 के साथ गाइज, बाय।